याचिकाकर्ता को लगता है कि कोई इन्फ्लुएंस है या जजेस प्रभावित है या उसको लगता है कि उसमें कोई ऐसे लूप होल्स हैं जिसके तहत वो क्यूरेटिव पिटिशन कोर्ट में दाखिल कर सकता है, तो वो ये क्यूरेटिव पिटिशन को सर्कुलेट करता है तीनों जजेस में। पहले वो जजेस देखेंगे और देखेंगे कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। उसमें दो ग्राउंड्स होते हैं कि अगर अगर ये ग्राउंड दिया जाए कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो वायलेट हुए हैं, या फिर जो तीन तीन जजेस की बेंच है उनमें कोई विरोधाभास है, उनमें कोई उनमें जो है बायस जजमेंट है, तो ये क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की जाती है। बताया जा रहा है कि जज जो है अब बैठ गए हैं और वो अपना फैसला सुनाने के लिए एकदम तैयार हैं। जस्टिस भानुमति, अभी अंदर से खबर आ रही है, ट्रायल और जांच सही हुई, कोई खामी नहीं। बड़ी खबर आज तक पर, मृत्यु दंड का सवाल है उसमें कोर्ट ने बचाव का पूरा मौका दिया, हमें कोई ग्राउंड नहीं मिला याचिका में, याचिका खारिज हुई। अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 7 साल की लंबी लड़ाई निर्भया के माता पिता की खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो अक्षय सिंह की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। जस्टिस भानुमति ने फैसला सुनाया। बड़ी खबर आज तक पर, ट्रायल और जांच एकदम सही, कोई खामी नहीं जांच में, मृत्यु दंड का सवाल है उसमें कोर्ट ने बचाव का पूरा मौका दिया, पूरा प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कानून व्यवस्था के तहत पूरा मौका दिया गया है, कोई ग्राउंड नहीं है कि याचिका एडमिट की जाए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की याचिका को खारिज कर दिया है। सब नजरें अब पटियाला कोर्ट पे होगी जो डेथ वारंट की तारीख सुनाएंगे, पर रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया।